दासो में आप सभी का स्वागत है। एक लड़की की लाइफ कहां से कहां तक पहुंच जाती है, टर्न एंड ट्विस्ट के साथ भरी हुई है ये मूवी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। मूवी के शुरुआत में हम लिलजा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ यूएसए जाने के लिए तैयार होती है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है। जब वो अपनी फ्रेंड नताशा से मिलती है तो उसे भी इस बारे में बताती है, बट शाम को जब वो अपनी मॉम के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है तब उसकी सारी खुशियां वहीं पर धरी की धरी रह जाती है। उसकी मॉम लिलिया से कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं जा रही हो, पहले हम लोग जाएंगे और वहां पर सब कुछ सेटअप करने के बाद हम लोग तुम्हें वहां पर बुला लेंगे, तब तक तुम अपनी आंट के साथ ही रहो। और अगले सुबह ही उसकी मॉम वहां से चली जाती है। आगे देखने को मिलता है कि उसकी आंट उसके पास आती है और उसे एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट कर देती है। शाम में देखने को मिलता है कि लिलजा के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। ये लोग वहां पर पहुंचकर बहुत ज्यादा नशा करते हैं, बहुत ज्यादा पार्टी कर रहे होते हैं, लाउड म्यूजिक बजा रहे होते हैं। ये सुनने के बाद उसके पड़ोसी को बहुत ज्यादा खराब लगता है, जिसके बाद वो उसकी आंट को कंप्लेन कर देती है। और तभी वहां पर देखने को मिलता है कि लिलजा की आंट वहां पर पहुंच जाती है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उन सभी लोगों को थप्पड़ मारकर वहां से निकाल देती है। उन सभी लोगों में एक छोटा बच्चा वोलेडिया होता है जो कि अपने घर पर जाता है, बट उसके डैड उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं क्योंकि उसके डैड वोलेडिया को पसंद नहीं करते हैं। आगे देखने को मिलता है लिलजा जब जा रही होती तब वो वोलेडिया को उदास बैठा हुआ देखती है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे अपने घर जाने के लिए कहती है। पर वोलेडिया कहता है मेरे डैड पागल है, वो मुझे घर में नहीं रहने देते हैं, आप प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर पे रख लो ना। ये सुनने के बाद लिलजा थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है, बट वो वोलेडिया को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन लिलजा अपनी दोस्त नताशा के साथ एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि नताशा के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैंने रात रात भर मेहनत करके ये पैसे कमाए हैं। एक्चुअली मैंने लोगों के साथ रात गुजार कर ये पैसे कमाए हैं। बट यही नहीं, वो लिलजा से भी इस बारे में पूछती है, बट लिलजा मना कर देती है। एक रात देखने को मिलता है नताशा अपने डैड के साथ लिलजा के घर में आती है और वो लिलजा को कुछ पैसे देती है, बट लिलजा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसने उसे पैसे क्यों दिए है। इसके बाद वहां से नताशा चली जाती है। अगली सुबह जब नताशा लिलजा से मिलती है तब नताशा लिलजा से कहती है कि मेरे डैड ने ये सारे पैसों को देख लिया था, जिसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनसे क्या कहूँ, तो मैंने कह दिया कि ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। और इसके अलावा नताशा ये भी कहती है कि लिलजा ने इन पैसों को लोगों के साथ इंटीमेट होकर कमाया। ये सुनने के बाद लिलजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तब देखने को मिलता है कि सारे लोगों को ये बातें पता चल चुकी है, जिसके बाद कुछ लड़के उससे परेशान करने लगते हैं। आगे देखने को मिलता है कि लिलजा के बिल ना भरने से उसके घर की लाइट काट दी गई है, जिसके बाद वो उसे कंप्लेन करने के लिए आंट के पास जाती है। लिलजा जब पैसों के लिए आंट से पूछती है तो आंट उसे साफ साफ मना कर देती है। अब लिलजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो एक बार में जाए। वो बार में जाती है और वहां पर वो एक आदमी के साथ इंटीमेट होकर कुछ पैसे कमाती है। पैसे मिलने के बाद लिलजा की हालत थोड़ी बहुत सुधरती है, वो बाजार जाकर सामान खरीदती है। उन पैसों से कुछ दिन तक गुजारा चल जाता है, बट आगे देखने को मिलता है फिर से उसके पास पैसों की कमी आ गई है, जिसके बाद वो फिर से एक आदमी के साथ इंटीमेट होकर कुछ पैसे कमा लेती है। लिलजा जब अपने घर की तरफ लौट रही होती है तब उसे रास्ते में आंद्रेई नाम का एक लड़का मिलता है, जो उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, बट लिलजा उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम मेरा फायदा उठा लोगे, बट आंद्रेई कहता है कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीफ होते हैं, आओ मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। तभी लिलजा उसकी कार में बैठ जाती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। लिलजा जब अपने रूम की तरफ जा रही होती है तभी आंद्रेई पीछे से कहता है कि कल तुम मेरे साथ कॉफी पर चलोगी। अब लिलजा को उस पर भरोसा हो जाता है, वो उसे हाँ कर देती है। अगले दिन लिलजा आंद्रे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है, जिसके बाद वो अपने घर पर जाती है। तब वोलेडिया उससे कहता है कि तुम उसके साथ मत रहो। वोलेडिया कहता है कि वो लड़का बिल्कुल भी शरीफ नहीं हो सकता है, वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। बट लिलजा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वो आंद्रेई के साथ मिलती रहती है। वहीं आगे देखने को मिलता है एक दिन लिलजा और आंद्रेई कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी आंद्रेई कहता है कि तुम ऐसी लाइफ बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हो, मैं स्वीडन जा रहा हूँ और मेरा वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा जॉब है, तुम कहो तो मैं भी तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ और एक छोटी सी अच्छी जॉब दिलवा सकता हूँ। ये सुनने के बाद लिलजा उसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और इस बारे में वो दोबारा वोलेडिया से डिस्कस करती है और दोबारा वोलेडिया उसे वार्न करता है। वोलेडिया दोबारा कहता है कि वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। एक रात जब लिलजा घर में अकेली बैठी होती है तब देखने को मिलता है कुछ लोग उसके घर में घुस जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं।
वो सारे लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। इसके बाद लीलजा पूरी तरह से टूट जाती है और वो स्वीडन जाने का फैसला करती है। तभी वॉलेडिया कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो आंद्रेई के पास जाती है। तभी आंद्रेई कहता है कि तुम पहले वहां जाकर सेटल हो जाओ, इसके बाद तुम वॉलेडिया को अपने पास बुला लेना। और आगे देखने को मिलता है, फाइनली स्वीडन जाने का दिन आता है। तभी आंद्रेई उससे कहता है कि आज तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो क्योंकि मेरी ग्रैंड मां बीमार है। ये सुनने के बाद लीलजा को थोड़ा सा आंद्रेई पर शक होने लगता है, बट आंद्रेई उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। आंद्रेई अपनी ग्रैंड मां का बहाना बनाकर स्वीडन नहीं जाता है, बट देखने को मिलता है कि लीलजा अब स्वीडन पहुंच चुकी है और वहीं पर उसका बॉस उसे पिक करने के लिए आता है। इसके बाद वो उसे एक फ्लैट में लेकर जाता है और लीलजा जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तब वहां पर देखने को मिलता है उसका बॉस उसके साथ आकर बदसलूकी करने लगता है, जिसके बाद लीलजा पूरी तरह से टूट जाती है। उसे समझ आ चुका होता है कि आंद्रेई ने उसे धोखा दिया है। वो सोच रही होती है कि काश वो वॉलेडिया की बातों को मान लेती और वो यहाँ पर नहीं आती। अब आंद्रे का बॉस उसे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाता है, जिसके बाद वो नए नए मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। वो हमेशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। लेकिन एक दिन उसे मौका मिलता है जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो देखने को मिलता है कि वो एक ब्रिज से छलांग मारकर वहीं पर सुसाइड करने की कोशिश करती है। और मूवी के एंड में हम उसे एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर किसी ने उसकी जान बचा ली है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।